अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ अहमद अली और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ बाय अहमद यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक 5 मरला ब्रांड न्यू हाउस दैट इज़ अवेलेबल फॉर सेल। ब्रांड न्यू हाउस है, 5 मरला हाउस है, लोकेशन है पहरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी, और जो डायमेंशंस है वो है 25x45 25x45। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो कम्प्लीट एंड तक देखनी है, क्योंकि इस घर की जो डिमांड है वो मैं वीडियो के एंड में कोट करूँगा। और इसके अलावा अगर आप अपना घर खुद से कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो आपको हाउस कंस्ट्रक्शन के टिप्स मिल जाएंगे, आपने हाउस प्लान कैसा डिसाइड करना है आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आपने वीडियो कंप्लीट एंड तक देखनी है। और जो इस घर का ब्लॉक है, जो पहरिया टाउन फेज 8 में इसका ब्लॉक है जहाँ पर घर लोकेटेड है, ये भी मैं वीडियो के एंड में मैंशन करूँगा। सो कंप्लीट एंड तक आपने वीडियो देखनी है। हमारा चैनल जो आपने अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ तो कल ही सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन पर आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो चलते हैं व्यूअर्स, विजिट स्टार्ट करते हैं जी। तो व्यूअर्स, ये इस घर का फ्रंट एलिवेशन है, बहुत आउटस्टैंडिंगली कंस्ट्रक्ट किया गया है, बहुत नीट एंड क्लीन डिज़ाइन का फ्रंट एलिवेशन है। और आप सबको मैंने बताया कि जो साइज़ है वो है 25x45। अब मूव करते हैं घर के अंदर, और सबसे पहले आप देख लें, ये है इसका गेट का डिज़ाइन है, ये कार रैंप है, ये ग्रीन एरिया है जो कि इंशाल्लाह डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉल्ड है, 3 फेज़ मीटर है, गैस की इंस्टॉलेशन अभी बाकी है, एज़ सून एज़ पॉसिबल गैस इंस्टॉल कर दी जाएगी। और अब हम आ चुके हैं घर के अंदर, ये इस घर का कार पोर्च है। सबसे पहले ये मार्बल वर्क, सामने 3 एंट्रेंस है, ये 5 मरला का डबल यूनिट हाउस है। मैं आपको अभी सब कुछ गाइड कर देता हूँ। ये इसका सीलिंग का डिज़ाइन है, कार पोर्च की सीलिंग, और इस तरफ हमारे पास है अंडरग्राउंड वाटर टैंक और पानी की मोटर भी इंस्टॉल्ड है। ये आप इसको दूसरे एंगल से व्यू कर लें कार पोर्च को। ओके व्यूअर्स, मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर देता हूँ। आप सबसे मैंने बताया आपको मैंने कि ये डबल यूनिट हाउस है। ये जो आप एंट्रेंस देख रहे हैं ये अपर पोर्शन की एक्सेस है, स्टेयर्स आप देख सकते हैं। ये जो एक्सेस है व्यूअर्स, ये ग्राउंड पोर्शन के टीवी लाउंज में एक्सेस है। ये जो डोर है आप देख सकते हैं, ये ग्राउंड पोर्शन पे ड्राइंग रूम वहाँ की एक्सेस है। हम मूव करते हैं अभी ग्राउंड पोर्शन के टीवी लाउंज में। पहले आप ये देख लें वुडन वर्क, स्टेप्स आप व्यू कर लें, और हम आ चुके हैं घर के अंदर। और ये है इसका का टीवी लाउंज, फर्स्ट टीवी लाउंज है व्यूअर्स जी, ग्राउंड पोर्शन का टीवी लाउंज, स्पेशियस टीवी लाउंज है और बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन रखा गया है। सीलिंग का डिज़ाइन आप देख लें, सामने सिंपल ऑफ वाइट कलर का पेंट है, ग्राउंड पे फैंसी टाइल वर्क है। व्यूअर्स जी, आप देख सकते हैं ये है एंट्रेंस ड्राइंग रूम की, टीवी लाउंज से भी एक्सेस दी गई है ड्राइंग रूम की। इन्होंने प्रॉपरली पार्टीशन की हुई है, डोर यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ घरों में आपको पार्टीशन मिलती है, कुछ में नहीं मिलती, कुछ में आपको खुद से पार्टीशन करनी पड़ती है। वेंटिलेशन पर्पस के लिए विंडो, आप देख सकते हैं कि रीलिंग के लिए इन्होंने जो पॉइंट्स हैं वो फिक्स किए हुए हैं। ये इसका सीलिंग का डिज़ाइन है, ये इसका टाइल वर्क है, ये एक्सेस है कारपोर्ट से। और अब इसी टीवी लाउंज को आप एक दूसरे एंगल से प्रॉपरली व्यू कर लें। ये आप देख सकते हैं स्पेशियस टीवी लाउंज है। व्यूअर्स, इस घर का हाउस प्लान ऐसा है कि नीचे एक बेडरूम है, एक किचन है, एक टीवी लाउंज है और ड्राइंग रूम है। अपर पोर्शन में हमारे पास 2 बेडरूम्स हैं और एक टीवी लाउंज है और एक किचन है। ये सीलिंग का डिज़ाइन भी आप सब कुछ व्यू कर लें। और अब हम मूव करते हैं किचन की तरफ। ये इस घर का फर्स्ट किचन। और ये इसका कैबिनेट्स वर्क आप देख लें, काफ़ी स्ट्रांगली कंस्ट्रक्ट किया गया है। वुडन वर्क भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं टाइल वर्क भी फुल अटैच किया गया है दीवार पर। और यहाँ पर अभी हुड की इंस्टॉलेशन बाकी है, अभी स्टोव भी लगाना है इन्होंने, और वेंटिलेशन पर्पस के लिए विंडो भी आप देख लें और एग्जॉस्ट फैन भी। अब मूव करते हैं हम लॉन्ड्री एरिया की तरफ जी। तो व्यूअर्स, अब हम आ चुके हैं लॉन्ड्री एरिया में। टैप्स आप देख लें, मार्बल वर्क आप देख लें, और अब इसी किचन को आप दूसरे एंगल से प्रॉपरली व्यू कर लें। क्लोज किचन है ये। सो व्यूअर्स, अब आप किचन के एंगल से टीवी लॉन्च कर प्रॉपरली व्यू कर लें। आपको हर एंगल से व्यू करवाने का पर्पज़ ये होता है कि आपको हाउस प्लान प्रॉपरली समझ आ जाए। जो ही हम किचन एग्जिट करते हैं, हमारे राइट साइड पर आ जाता है फर्स्ट बेडरूम। ये आप देख सकते हैं मास्टर साइज बेडरूम है, वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए विंडो, सीलिंग डिज़ाइन, टाइल वर्क। और आप इस एंगल से अगर व्यू करते हैं तो आपको नज़र आ जाएगा कि वार्डरोब भी अवेलेबल हैं। प्रॉपरली आप व्यू कर लें। और ये है इसका अटैच वॉशरूम, टाइल वर्क आप देख लें, ये इसके वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए विंडो दी गई है। सो व्यूअर्स, हमने प्रॉपरली फर्स्ट फ्लोर यानी कि ग्राउंड पोर्शन को विजिट कर लिया। और ये आप स्टेयर्स देख सकते हैं, ये स्टेयर्स हैं अपर पोर्शन की तरफ। अगर आपने एक पोर्शन रेंट आउट करना है तो बस आपने आप एक शीट लगानी है, आपकी पार्टीशन हो जाएगी। और आप अगर चाहें तो ग्राउंड पोर्शन या अपर पोर्शन रेंट आउट कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अपर पोर्शन की तरफ। ये आप स्टेयर्स व्यू कर लें, ये एक्सेस है अपर पोर्शन की तरफ।
सो व्यूअर्स, अब हम आ चुके हैं प्रोपोर्शन में। इन स्टेज के थ्रू अभी हम ऊपर आए हैं। ये जो आप स्टेज देख रहे हैं छत की तरफ इनकी एक्सेस है। छत पे हमारे पास एक सर्वेंट क्वार्टर विद अटैच वॉशरूम, और अभी हम मौजूद हैं सेकंड टीवी लाउंज में। ये आप व्यू कर लें, स्पेशियस टीवी लाउंज है। और अब हम आ चुके हैं किचन में। ये है सेकंड किचन। और अब व्यूअर्स, इसके अलावा आप किचन के एंगल से भी टीवी लाउंज को प्रॉपरली व्यू कर लें। हमारे पास सेकंड फ्लोर यानी कि अपर पोर्शन में एक ओपन किचन है, टीवी लाउंज है और दो बेडरूम्स हैं। और अब हम आ चुके हैं फर्स्ट बेडरूम में। अपर पोर्शन का फर्स्ट बेडरूम है, मास्टर साइज बेडरूम है, वेंटिलेशन पर्पस के लिए विंडोज़, सीलिंग डिज़ाइन, टाइल ब्रिक। और इस तरफ आप देख सकते हैं वार्डरोब्स अवेलेबल हैं, और यहाँ पर अटैच वॉशरूम। ये आप देख सकते हैं ग्राउंड पर टाइल ब्रिक है, वाइट कलर की कॉम्बिनेशन है, वेंटिलेशन पर्पस के लिए विंडो, एग्जॉस्ट फैन। आप इस बेडरूम के एंगल से भी टीवी लाउंज को एक मरतबा फिर से व्यू कर लें। और ये है इस घर का थर्ड बेडरूम, लास्ट बेडरूम है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ है, लेकिन ये हटा दिया जाएगा। वेंटिलेशन पर्पस के लिए विंडो, सीलिंग डिज़ाइन। ये है एक्सेस टेरेस। स्टेप्स आप देख लें, मार्बल वर्क आप देख लें। और इस तरफ है हमारे पास हैं वार्डरोब्स। और अब हम आ चुके हैं अटैच वॉशरूम में। ये आप देख सकते हैं वेंटिलेशन पर्पस के लिए एग्जॉस्ट फैन अवेलेबल। सो व्यूअर्स, हमने प्रॉपरली दोनों पोर्शन विजिट कर लिए, और हमने इस डबल यूनिट हाउस के दोनों पोर्शन को विजिट कर लिया। डबल किचन है, तीन बेडरूम्स हैं विद अटैच वॉशरूम, स्पेशियस टीवी लाउंज है, दो ड्राइंग रूम भी है, और छत पे सर्वेंट क्वार्टर विद अटैच वॉशरूम। अब हम मूव करते हैं छत की तरफ। ये स्टेप्स आप व्यू कर लें और छत का हम विजिट कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब हम आ चुके हैं छत पे, रूफ टॉप पे। ये आप देख सकते हैं चिप्स वर्क किया गया है। ये पानी की टंकी है। और इस तरफ आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप शीट लगा लें तो ये भी आपका स्टोर रूम बन जाएगा। आप यहाँ पे पेट एनिमल भी अपना रख सकते हैं। और ये है इसका सर्वेंट क्वार्टर, और इसका जो वॉशरूम है वो इस साइड पे। ये वॉशरूम को भी आप व्यू कर लें। ओके व्यूअर्स, मैं आपको इस घर का छत से व्यू दिखा देता हूँ फ्रंट एलिवेशन की तरफ से। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, ये ब्लॉक है अली ब्लॉक, 95% डेवलप्ड है। और लोकेशन आप देख लें, ये बुलेवर्ड है। ये आप देख लें, बुलेवर्ड से आप इंटर होते हैं तो ये फर्स्ट घर, सेकंड प्लॉट खाली है, और थर्ड घर। ये बहुत इजी और सिंपल एक्सेस है इस घर की। और अब चलते हैं दोबारा से ग्राउंड पोर्शन में, और मैं आपके साथ इस घर की बाकी की डिटेल्स शेयर कर देता हूँ। सो व्यूअर्स, हम दोबारा से आ चुके हैं ग्राउंड पोर्शन में, और आपके साथ मैं इस 5 मरला घर की डिटेल्स एक मतलब दोबारा से शेयर कर देता हूँ। 5 मरला हाउस है, ब्रांड न्यू हाउस है, सेल के लिए अवेलेबल है। डायमेंशन है 25x45। लोकेशन है बहरिया टाउन, फेज़ 8, रावलपिंडी, अली ब्लॉक। और इस घर का जो हाउस प्लान है उसमें ऐसा है कि 3 कमरे हैं इसके, 3 बेडरूम्स विद अटैच वॉशरूम, 2 किचन्स, एक क्लोज किचन है, एक ओपन किचन है, क्लोज ड्राइंग रूम है, पार्टीशन हुई भी है। इसके अलावा टीवी लाउंज भी 2 हैं, और छत पे सर्वेंट क्वार्टर विद अटैच वॉशरूम। व्यूअर्स, इस घर की जो रेंटल वैल्यू है वो है 35,000 से 36,000 तक इसकी रेंटल वैल्यू है। और इसके अलावा इसकी जो डिमांड है, जो आस्किंग प्राइस है, वो है 1 करोड़ 15 लाख। 1 करोड़ 15 लाख की घर की डिमांड है, नेगोशिएबल डिमांड है। आप में से जिस किसी को भी घर पसंद आया है, जो कोई भी इस घर में इंटरेस्टेड है, तो आपके स्क्रीन पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन होगा। आप कॉन्टैक्ट करके इस घर के बारे में डील कर सकते हैं। आपको एनी टाइम विजिट करवा दिया जाएगा, और इंशाल्लाह ताला आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं मज़ीद ऑप्शंस देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला कनाल घरों की काफ़ी वीडियोज़ अपलोडेड हैं। आप उन वीडियो को व्यू कर सकते हैं। और आप जिस घर को भी परचेज़ करना चाहते हैं, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है इस वीडियो में, और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है। आप कॉन्टैक्ट करके घर के बारे में डील कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कहीं लाइक कर दें, और प्रॉपर्टीज़ बाई अहमर यूट्यूब चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और व्यूअर्स बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट घर के वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।